हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ईशा। इन्होंने भी सीयूटी एग्जाम दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे और आज की इस वीडियो में पूरी अपनी जर्नी ये आपके साथ शेयर करने वाली है। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा कि इन्हें सीयूटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ये आपके साथ टिप्स शेयर करेंगी और कॉलेज लाइफ के बारे में भी आपको बताएंगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत अच्छे से सुनिएगा, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगा। मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भैया सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से दें, मॉक टेस्ट के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो देखिए, एग्जाम फैक्टर ने लॉन्च कर दिया है ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट, और आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 सेल्फ पेस्ड हैं, उन्हें आप कभी भी दे सकते हैं, और 3 मॉक टेस्ट लाइव होंगे जो बिल्कुल एग्जाम वाला फील आपको दिलाएंगे। आप चाहे तो महापैक भी परचेज कर सकते हैं, महापैक में आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो टोटल में आपको 60 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कूपन कोड गुरु EF10 यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी खासियत इन मॉक टेस्ट की ये है कि जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे ना, तो आपके पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करा जाएगा और एंड में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे अच्छे से बनते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम चल जाएगी तो सोचिए आपका प्रिपरेशन कितना आसान हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कहाँ पर मेहनत करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करके सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, उन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको स्टार्टिंग में फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप देकर देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम फैक्टर के क्रैश कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसमें ये मॉक टेस्ट इंक्लूडेड रहेंगे पहले से, लेकिन अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर से इन्हें परचेज करिए और अपने सीयूटी के प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए। अब हम सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ है ईशा, एंड आई होप आज के इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों की हेल्प होने वाली है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईशा से आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि ईशा अपना इंट्रोडक्शन दे दे सारे बच्चों को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया फॉर हैविंग मी, थैंक यू ट्विनग्रोज फॉर हैविंग मी, एंड माय नेम इज ईशा एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। करेंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज जैन यूनिवर्सिटी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय इनसाइट्स विद यू ऑल। तो ईशा, आज मैं आपसे सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी पर्सनल लाइफ कॉलेज लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, सो आई होप बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी। तो सबसे पहले सीयूटी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो पहला आपसे क्वेश्चन है और इसका मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से आंसर दें कि आपने क्या सीयूटी की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी जिससे आपका इतना अच्छा स्कोर आया सीयूटी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब टाइम बहुत कम है, आप मान के चलो बस 1 महीना बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाया, तो उन्हें आप क्या स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सीयूटी की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके पास कितना टाइम पड़ा है, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और इस पॉइंट पे हम नहीं एक्स्ट्रा चीजें कर सकते, हमारा फोकस सिर्फ दो चीजों पे होना चाहिए, एनसीईआरटी एंड प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी सब सारे टॉपर्स आपको ये एडवाइस देंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका है। आप कई लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को स्किम करते हैं कि अच्छा ये वाला टॉपिक है ये तो मैं आता होगा, बट हमें बहुत ज्यादा डीपली जाना होता है, बिकॉज आप देखोगे सीयूटी में पॉइंट टू सेम सेंटेंसेस आते हैं एनसीईआरटी से। तो आपको ये आपका मेक श्योर करना है कि आपको हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अच्छे से पता हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं एनसीईआरटी पे ही अपने नोट्स बनाती थी, अंडरलाइन करती थी, बार बार उसमें रिवीजन करती थी कि लाइक आप एनसीईआरटी को पूरा आपको पी जाना है बस किसी तरह, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आपको जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मॉक टेस्ट देने बैठना है, बिकॉज वो ना थोड़ा हो जाता है, थोड़ा आपको नर्वस कर देता है अगर आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हो आपका रिजल्ट आए। तो प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आपको वैसे करनी है, आपने चैप्टर करा आप उस चैप्टर की यूट्यूब पे देख लो या चैप्टर वाइज मॉक्स कर लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहे। एंड मूवमेंट पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक वो कॉन्फिडेंस रहे ताकि आप स्ट्रेस में ना हो। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी और क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले, आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप सब देख रहे हैं कि हर टॉपर ने एक यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मतलब कोई एक वे नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसे ही पढ़ना है तभी आप सीयूटी में अच्छा कर पाएंगे। तो आपको खुद ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, किसी टॉपर के लिए मॉक टेस्ट वर्क करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं, तो ये आपको अपना देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ईशा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्या होता है जब हम बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, मैंने रिसेंट वीडियो में भी ये चीज बताई थी, तो क्या होता है
कुछ समय बाद बस हम एनसीईआरटी को देखने लग जाते हैं कि ये तो बनता है, ये भी बनता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। रियलिटी ये है कि सीधे लाइन उठ के एमसीक्यू में आ जाती है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि आपसे सब बन रहा है, बट जब वो लाइन उठकर आएगी ना सीयूटी में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो या तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो कि एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो एनसीईआरटी करने के बाद उसको कुछ समय के बाद बंद करके रखो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अगर आप ये इसमें रहोगे, एक अपने माइंड में बना लोगे रियलिटी कि आपसे सब बन रहा है, तो सच नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ईशा आगे का जो क्वेश्चन है, ये बच्चों ने ही पूछे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्ट है बच्चों का जानने में कि आपका डेली रूटीन क्या था सीयूटी के प्रिपरेशन के समय। तो डेली रूटीन आप बता दीजिए, कितने बजे आप उठती थी, सोती थी, कितना आप पढ़ती थी, सब कुछ बता दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है, मतलब मुझे बहुत मुश्किल आती थी वो बैलेंस रखने में। तो एंड के टाइम में तो मैं बहुत ज्यादा ही पढ़ने लग गई थी, तो मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं बस सुबह उठती पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी कि आज क्या क्या मुझे बेसिकली करना है। और जैसे कि ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे ना सोचे कि आज बस मुझे ये वाला चैप्टर करना है या फिर बस ये वाला सब्जेक्ट करना है, रोज आप सबको इक्वल टाइम डिवाइड करके आप सब कुछ करें। और एंड में ना हम ये नहीं कर सकते कि हमें लगता है कि हमें ब्रेक लेकर हम थोड़ा घूमने चले जाएं या फिर हम सीरीज देख लें, वो नहीं होता है, क्योंकि ना हमें गिल्ट होता है फिर कि अभी लास्ट टाइम आ गए, हम मजे मजे कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि अपने पढ़ने को तरीके को बदल लो। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं आपको उसी टेबल पे बैठ के पढ़ना है, शाम को थोड़ा सा छत पे जाकर एनसीईआरटी को रीड कर लो। कभी आप एनसीईआरटी बंद करके अपने माइंड में रिवाइज कर लो कि अच्छा उस चैप्टर में क्या क्या था, उस पेज पे क्या क्या था, आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। तो मैं भी यही करती थी कि सुबह उठ के मैंने ऐसे पढ़ा एक बार, अपना पूरा रिविजन कर ली, फिर उस चैप्टर को कुछ 3-4 घंटे के बाद दोबारा से रिविजन कर ली, शाम को वही एनसीईआरटी चैप्टर को मैं से बाहर वॉक करते करते या ऊपर जाके अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक बार मन में रिवाइज करने लग गई। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। एंड ये भी बहुत जरूरी है एंड टाइम में कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लें। ये बहुत लोगों ने किया है कि वो बहुत सारे उन्होंने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं अपनी सीयूटी के लिए, बट ये हम सबको पता है कि आपके बेस्ट 4 ही काउंट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट मिनट में अपने सारे चैप्टर सारे ही सब्जेक्ट्स में मत वर्क करो। अगर आपको समझ आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ है ये 2-3 सब्जेक्ट्स, तो आप बस उन पे ही वर्क करो फिर एंड में, बिकॉज अगर आप सब करने लग जाओगे तो आपका मार्क्स कहीं पर भी नहीं आएंगे और आपका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ईशा ने आंसर कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है कि भाई देखो आपको ही मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका इंग्लिश लगेगा, 3 डोमेन्स लगेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ज्यादा सब्जेक्ट ले लिए हैं और अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है एंड में कि नहीं हो पा रहे हैं सारे मैनेज, तो फिर आपको उन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी को फिर कम टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। और ईशा ने एक पॉइंट बोला, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि जब भी आपको ब्रेक लेना है तो ऐसा ब्रेक जो आपके माइंड को ज्यादा ऑक्यूपाई ना करे। जैसे कि आप बहुत देर पढ़ रहे हो, उसके बाद आप वॉक पे चले जाओ, आप गाने सुन लो, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मूवी देख लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपने 2 घंटे मूवी देखी, लेकिन वो मूवी आपके दिमाग में 2 दिन रहेगी। तो ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो ब्रेक में कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर ले। आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हो जो थोड़े समय के लिए ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखो। इसके बाद ईशा, थर्ड मेरा क्वेश्चन डिसिप्लिन से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन लास्ट ईयर जो इंग्लिश के नोट्स बने थे वो ईशा ने ही बनाए थे। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ईशा को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि कल इंग्लिश का पेपर है और मुझे नोट्स चाहिए, और उस समय आई गेस 7-8 चैप्टर्स के नोट्स बचे हुए थे। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो रात में 12 बजे मुझे पीडीएफ आया था ईशा की तरफ से, 2 बजे पीडीएफ, 3, 4, 5, 6, सुबह 8 बजे तक मुझे पीडीएफ आ रहे थे। तो ईशा, इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि आप में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। कोई और होता तो बोलता है यार भैया नहीं हो पाएगा, आगे देख लेंगे। आपने पूरी रात, और आपने रात में ही बनाए क्योंकि आप तभी भेज रही थी। तो ये डिसिप्लिन के पीछे राज क्या है? मतलब बच्चों को बहुत लैक करते हैं वो डिसिप्लिन, तो कैसे वो डिसिप्लिन रहे हैं इसमें आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया इसके लिए। एंड मेरा ये मानना है डिसिप्लिन को लेकर कि हम सब बहुत हमें एडवाइजर्स मिलते हैं कि हमें ना अपना पूरा लाइक टाइम मैनेज करना चाहिए, वो चीज़ अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, बट आपको अपने अंदर ये चीज आनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज में एंटर भी कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कि अगर आपने कुछ काम अपने कमिटमेंट ली है, अगर आपने सोचा है कि आप सीयूटी दे रहे हो, फिर आप उससे नहीं वो कर सकते कि आज मेरा मन नहीं है या अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये कल कर लूंगा। वो डिसिप्लिन मेरा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आज मैंने अपने आपको टारगेट दिया है कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर चाहे 3 बज जाए, 4 बज जाए, चाहे आप उस दिन ना सो, बट आपको किसी ना किसी तरह करना पड़ेगा। तो मैं यही अपने माइंड में अपना माइंड सेट ये रखती हूँ कि अगर आज मैंने आपको बोला है कि आपको अगर कल चाहिए नोट्स, तो मुझे था कि अब मुझे जैसे मर्जी करना है, चाहे फिर सुबह के 6 बज जाए। तो आपने आपको अपने टारगेट्स को अचीव करो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको अपने बारे में भी अच्छा फील होगा कि मैं अपनी जो मैंने मेरे टारगेट फिक्स किया था उसको मैं अचीव कर पाया। तो सीधी बात है, अब जो ठान लिया तो ठान लिया। और इसके बाद अब मेरा ईशा अगला क्वेश्चन आपसे कॉलेज रिलेटेड है। आपने मुझे बताया कि आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा रही हैं, तो इस समय आप एक ऐसे कॉलेज में हैं जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है।
तो मैं रीजन जानना चाहूंगा कि मतलब आप रेगुलर क्यों नहीं जाती हैं, क्या कुछ और आप कर रही हैं या क्या रीजन है इसके पीछे? पहली बात तो ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बेस्ट चीज है वो आपको फ्रीडम देती है। सारे कॉलेजेस का डिफरेंट है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए इसलिए भी अच्छी है। अब ये लोग बहुत कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, वो सही भी और वो गलत भी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप वो आपके माइंडसेट पे है, कई लोग आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जैसे पहले इंसान थे वो निकलते भी वैसे ही रहते हैं, वो आपके ऊपर है आपने अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। अब मेरा क्या है, मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मुझे मुझे जब रियलाइज हुआ कि जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहे हैं मुझे प्रोफेसर्स वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मुझे वो रियलाइज हुआ कि ये चीज मैं खुद भी कर सकती हूँ, तो जितना मुझे जरूरत है क्लासेस अटेंड करने की मैं उतनी करती हूँ। बट फिर मैंने रियलाइज किया मैं यहाँ पे बहुत और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए, आप बहुत सारी सोसाइटीज का पार्ट बन सकते हो, आप बहुत सारे इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हो, एनजीओज, आप बहुत कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस रन कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो करेंटली मेरा यही फोकस है कि मैं उन चीजों पे फोकस करूँ जो मेरे आगे करियर में मुझे हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैं साथ में अपने मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया है। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, कंटेंट लिखती हूँ, एंड मैं सोसाइटीज का भी पार्ट हूँ, मैं उनमें हेड पोजीशन पर भी आ चुकी हूँ। तो इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करो एंड सिर्फ कॉलेज तक ही लिमिट मत रहो। बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब ईशा के करियर ओरिएंटेड अप्रोच है कि वहां पर ये ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं जो इन्हें आगे काम आएगा, और जो चीजें खुद से कर सकती हैं वहां पर ये एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, बढ़िया है। इससे रिलेटेड ईशा, कॉलेज रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या बदल जाता है मतलब अच्छे कॉलेज में जाके, ये बच्चों का सवाल है कि क्या बदल जाएगा लाइफ में। जैसे आपने बोला, इसको आपने आंसर करा अभी, पर फिर से कि अगर कोई एक बच्चा जो मेहनत करने को तैयार है तो अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है तो उसकी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस है जो उसे देखने को मिले? अगर आप में विलिंगनेस है और आप मेहनत करने वाले हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी पूरी आके लाइफ चेंज हो सकती है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। बट वो आपके ऊपर है कि आपको उसके लिए स्टेप्स लेने हैं कि नहीं। पहली बात जो आपकी आके चेंज होगी यहाँ पे, आपको रियलाइज होगा कि आप अकेले ही नहीं हो, क्योंकि स्कूल में क्या होता है हम सारे अपने स्कूल के टॉपर्स हैं। यूजुअली ये होता है कि हम सारे टॉप 10 टॉप 20 वाले ही होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं या हमारे 12th में अच्छे मार्क्स होते हैं। वहां जाकर आपको रियलाइज होगा कि आपके पास अराउंड सारे ही बहुत ज्यादा अचीवर्स हैं, सबने ही बहुत कुछ अचीव कर रखा है और सभी बहुत ज्यादा विलिंग है, तो आपके पास एक अच्छा क्राउड होगा। ये हमेशा बोला जाता है कि अगर आप ऐसे रूम में हो जहाँ पे आप ही बेस्ट हो तो आपको अपना रूम चेंज कर लेना चाहिए, तो आपको वो वहां पे इन्वायरमेंट मिलेगा, आपके अराउंड बहुत सारे लोग होंगे, आपको सबसे अलग अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड सबसे ज्यादा ये है कि आपको अभी आप अगर हमेशा से आर्ट स्टूडेंट रहे हो, आपको वहां जाके रियलाइज होगा कि कितनी सारी और अपॉर्चुनिटीज भी है, शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस चीज में भी अच्छा हो सकता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी अगर आप कॉलेज में आए हो, सारी चीजों को एक्सप्लोर करो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस फील्ड में भी जाना चाहोगे, उसको भी एक्सप्लोर करो। बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड ईयर के आते आते अपनी एक फील्ड चूज कर लो कि आपको इसमें ही आगे जाना है, ताकि आप उसके अराउंड ही अपनी बाकी चीजों को भी लाइन कर पाओ। अभी मैंने जितने भी टॉपर्स का ईशा इंटरव्यू लिया उन सबने एक चीज बताई जो आपने बताया कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो हर कोई टॉपर है, यहाँ ऐसा नहीं है कि क्लास में बस एक दो बच्चे, सब टॉपर होते हैं। तो सारे टॉपर्स ने मुझे बताया कि वो खुद भी टॉपर थे, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में गए तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम पर उन्हें बहुत ऐसा फील हुआ कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मतलब यहाँ तो और अच्छे लोग हैं, मेरा क्या होगा, उन्हें एक फियर टाइप का आया। तो डेफिनेटली आपके साथ भी स्टार्टिंग में ये हुआ होगा, तो आपने इसे डील कैसे करा? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो मैं पहले 2 दिन गई, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं ऐसी थी कि ये मैं कहाँ आ गई, क्योंकि हमेशा से स्कूल में वो रहा है कि हम आगे आगे रहे हैं हर चीज में और यहाँ पे देख रहे हैं कि सब हमसे भी बहुत आगे हैं। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि अब आप आ चुके हो वहां पर जहाँ पे दुनिया भर से लोग आए हैं, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब या तो आप इस चीज से डर कर, आप ऐसे 3 साल आपका ही लॉस है, अगर आप डर गए ना तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर आपको ये भी समझना है कि वो सब लोग भी वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, वो सब लोग भी वही आपकी पोजिशन पर ही है, तो आपको सबसे सीखना है। आपको ये लगना है कि ठीक है अगर ये अभी आज एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, हमें भी 2 कदम आगे चलना है इनसे, हमें भी ऐसा बनना है ताकि हम भी कॉन्फिडेंटली सबके साथ बात कर पाए, बाकी अपॉर्चुनिटीज को सीख कर पाए। तो वो एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि सब आपके जैसे ही हैं। वही धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आएगी। और ईशा, आपकी पहचान में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे होंगे बट सीयूटी में उनका स्कोर एकदम डाउन हो गया होगा, तो अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो क्या मिस्टेक्स वो कर रहे थे, या अगर आपने कोई मिस्टेक करी हो जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, बहुत लेट मालूम चला? मेरे अराउंड एक्चुअली में सच में ऐसे मेरे दोस्त वगैरह हैं जिनका काफी अच्छा रिजल्ट था 12th वगैरह में, 11th में, बट सीयूटी में उनका स्कोर डाउन हो गया। अब इसका सबसे जो मैंने ऑब्जर्व किया रीजन वो ये है कि उनको लगता है कि एनसीईआरटी तो हमने पढ़ रखी है 12th में, कि वो तो हम कर ही लेंगे। ये सबसे ज्यादा लोगों का, आपने भी पहले डिस्कस किया अपनी वीडियोज में, कि ये चीज लोगों में बहुत बच्चों में आ जाती है कि हमें एनसीईआरटी आती है। बट सीयूटी के हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना और कॉलेज के हिसाब से बहुत डिफरेंट है। हम जो 11th 12th में पढ़ते थे हमें आंसर्स लिखने होते थे, बट यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बुक से ही वो आपको क्वेश्चन आ जाएगा सीयूटी का, और वो सेम टू सेम लाइन भी होगी। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी नहीं करते और उनको लगता है कि हमने पढ़ रखा है 12th में तो हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि आपको पूरा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर चाहे बहुत बार कर रखा हो, चाहे आपका फेवरेट चैप्टर क्यों ना हो, फिर भी आपको उसके अंदर ऐसी चीजें ढूंढनी है कि ये भी आ सकता है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप खुद से एमसीक्यूज बना के देखो कि अच्छा ये पैराग्राफ है,
इसमें से और क्या एमसीक्यू बन सकता है? अगर इसमें से क्वेश्चन आना होता तो क्या आएगा? हम सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते मॉक पे या क्वेश्चन पे, आपको खुद से आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये चैप्टर में आप कोई भी एमसीक्यू आ जाए मैं कोई भी कर लूंगा क्रैक। जी, ये मैंने बहुत वीडियोस में बोल दिया, बच्चे बोलेंगे गुरु भैया बार बार बोलते हैं, लेकिन चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसा लगता है हमसे एनसीईआरटी बन रही है, बट नहीं बनती है। कोई क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ना और एमसीक्यूज के लिए पढ़ना बहुत अलग चीज़ है। आप अभी जाओ, हमारी जो एमसीक्यूज की सीरीज आ रही है सीयूटी की, वहां पर इतने कॉमेंट्स हैं भैया आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले, जबकि हमने बार बार बताया है कि पूरी सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, बट ये आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने एनसीईआरटी में वो चीज़ें मिस कर दी। वो जब हम पढ़ते हैं, आप अभी कोई भी बुक का एक चैप्टर पढ़ लो, कोई भी नॉवेल का एक चैप्टर पढ़ लो, और उसके बाद किसी से बोलो कि आपका वो क्विज ले लें, बहुत चीज आप मिस कर दोगे। पहली बार में कई चीजें बस हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो दिमाग में नहीं घुसती है, बार बार करना पड़ता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईशा, बच्चे बहुत पूछते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी। कुछ बच्चे तो इस सिचुएशन में भी हैं कि वो कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड है इस समय, क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई है ना, कि अभी बोर्ड्स हुए, अब सीयूटी, और फिर वो उन्हें मॉक दिए, मॉक अच्छे नहीं गए, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप कैसे डील करती थी एंजाइटी स्ट्रेस वगैरह से? ऑनेस्टली मेरे को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ। एक मेरा पीरियड आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा और वो गिव अप करने वाली पोजीशन आ गई थी। बट फिर मुझे अपने आप को समझाना पड़ा क्योंकि क्या है, हमें ना ये चीज डर रहता है बिकॉज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कितने कम सीट्स हैं और पूरी दुनिया भर से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट हर चीज में वो 80-20 वाला रूल लगता है। आपको लग रहा होगा कि सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं बट एक्चुअली में 20% ही उनमें से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपको 20% में से आना है। तो मैंने ये चीज तो समझ ली जब मैंने अपने अराउंड लोगों को देखा कि सीयूईटी तो बहुत लोग दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों की हो रही है बट एक्चुअली में पढ़ सब नहीं रहे। तो ये चीज ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि शायद मैं 20% में से आ सकती हूँ अगर मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दूँ। तो जब मैं देखती थी कि हाँ अगर कोई ये वाले वीडियो देख रहा है और जब मैं कमेंट्स रीड करती थी कि जैसे अब आपकी वीडियो हुई, मैंने सारे ऑनेस्टली मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट डेज में सारी वो अपना पक्का वाली सीरीज देखी थी, जो भी फसना पक्का वाली सीरीज देखी थी और उससे वो इनफ है। मैं ऑनेस्टली आप सबको ये एडवाइस करूंगी अगर आप वो देख रहे हो आपके एनसीईआरटी का सारा कवर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो जब मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ती थी और मुझे पता चलता था कि लोग डाउट पूछ रहे हैं कि ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आता था कि इसका मतलब अगर मैं पूरी अच्छी तरह से एनसीईआरटी भी कर लेती हूँ तो भी मैं 2 कदम आगे हूँ लोगों से, तो भी मैं मुझे वो कॉन्फिडेंस आता था अपने अंदर और उससे फिर मेरा स्ट्रेस कम होता था कि मैं एटलीस्ट अपने आप पे वर्क कर रही हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूर करिए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप सुबह अपने लिए टाइम निकाल लें एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है, सुबह उठती टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि पढ़ना है आज। तो मैं मैनिफेस्ट करती थी, सो सुबह जाकर मैं छत पे जाकर अपने इमेजिन करती थी कि आप फाइनली उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुके हो। आप फाइनली इमेजिन करो अपने आपको कि आप एंटर कर रहे हो अपने ड्रीम कॉलेज में एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा उसके बारे में। एंड वही एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो अगर आपने ठान लिया कि आपको आना है ना, वही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली वहां जाओ। थिंक एंड ग्रो रिच करके एक बुक है, आप सबने नाम सुना होगा, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि अंदर से एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। लाइक अगर आपके अंदर बस ऐसा है कि यार सीयूटी निकल जाए, नहीं निकलेगा, वो एक अंदर से ना आग होना चाहिए कि आपको रात में नींद ना आए, मतलब आपके दिमाग में बार बार वो चलता रहे कि मुझे करना है करना है। सुबह आप उठो तो आपको मोटिवेशन के लिए वीडियोस ना देखना पड़े कि यार सीयूटी कैसे पढ़े, आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाओ। देखो मेहनत आपको करना पड़ेगी खुद। लाइक हम एमसीक्यूज की वीडियो आपके लिए डाल सकते हैं, लेकिन आप बैठ के वो वीडियोस देखना, खुद उनको सॉल्व करना, जो आपसे गलती हो रही है उनको वापस से सही करना, ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। और ये मेहनत आएगी बर्निंग डिजायर से, और मैनिफेस्टेशन का तो सारे टॉपर्स बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आप ट्राई करिए। थोड़ा सा जब अंदर से आप सोचेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आता है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद ईशा आखिरी के 2 क्वेश्चन है। पहला मैं सारे टॉपर से पूछ रहा हूँ कि सीयूटी वगैरह तो चलता रहेगा, मेरा ये मानना है कि स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप कॉलेज में देख रही होंगी कि जितने भी आज कॉलेज में बच्चे ऐसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें क्या कॉमन स्किल्स हैं, या कोई एक स्किल जो आपको लगता है कि बच्चों को अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर देना चाहिए? पहली चीज तो मैं बोलूँगी अपने आपको लिमिट करना बंद कर दो। अभी से अगर आप सोच के जाओगे ना कि मेरे को तो बस मेरा अपना मुझे छोटा सा अपना ग्रुप रखना है, मैं बस इंडियन सोसाइटीज का पार्ट रहूंगा, तो वो आपकी गलत अप्रोच है। आप बिल्कुल ओपन हार्टेडली जाओ, आप सोच लो कि मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी मुझे उसे सीख करना है। तो ये अगर आप स्किल आप अभी से बिल्ड कर सकते हो कि मुझे वहां ऐसे जाना है जैसे मैं एक ब्लैंक पेज हूँ, अब से मेरी जर्नी नहीं स्टार्ट है। अभी तक आपने बहुत चीजों में अच्छे रहे होंगे, बहुत चीजों में आपकी अप्रिसिएशन मिली होगी, बट यहाँ पर आपको ये सोचकर नहीं जाना कि मैं तो हमेशा से वो स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे इस फील्ड में जाना है। आप बिल्कुल एक ब्लैंक पेज बन के जाइए और सारी अपॉर्चुनिटीज को सीख करिए। और दूसरी चीज आती है कनेक्शंस बनाने की क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा काम आती है। और ये और टॉपर्स ने भी जिनका मैंने देखा इंटरव्यू, उन्होंने भी चीज कही है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कैसे सबसे बात कर रहे हो। जाती है आपको एकदम से आपके पास बहुत सारे इंटरव्यूज आ जाएंगे, आप सोसाइटीज में अप्लाई करोगे एंड उस टाइम बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, कि आप सबसे कनेक्शंस बना पाओ कि कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे कैसे कनेक्ट आप कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपके सारे कनेक्शंस ही आपको एंड ऑफ द कॉलेज लाइफ तक काम आएंगे। फिर थर्ड चीज आती है हमारी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत कम इस पे बात होती है, बट जितना मैंने अभी तक अपने आप को ऑब्जर्व किया है कि क्या ऐसी चीज है मेरे से जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैप कर पाती हूँ जो शायद और नहीं कर पाते, वो है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। अगर आप कोई भी सोसाइटी में अप्लाई कर रहे हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको कुछ ऐसा वहां पे लाना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट जो बाकियों से अलग है। बिकॉज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आपको कोई चीज में जाना है तो 100 और लोगों को भी उसमें जाना है, बट आप में ऐसी क्या डिफरेंट चीज है। तो अभी से ये चीज आप शुरू कर दो अपनी प्रैक्टिस करना कि कैसे आप कुछ डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया ला सकते हो हर चीज के अंदर। आपके पास और क्या है टेबल पे रखने के लिए दूसरे इंसान के लिए कि वो आपको चूज करे। तो मतलब हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कनेक्शन बनाना है और एक्सप्लोर करना है, पहले से एकदम सोच के नहीं जाना है कि यही करना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा रीड करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखना पड़ेगा, तब वो सारे थॉट्स आपके मिलेंगे और एक कुछ नया आपके अंदर से आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो क्या होता है, कॉलेज में भी ना पॉलिटिक्स चलती है। आप कॉलेज जाओगे, आपको वहां कोई मिलेगा, इंट्रोवर्ट्स वैसे ही किसी के पीछे छुप जाते हैं, उसने आपसे बोला कि यार कॉलेज में ये चार लोग मुझे पसंद नहीं आते, इनसे दूर रहना, इससे दूर रहना, उससे दूर रहना, ये टीचर सही नहीं है, अब आप उनकी बात सुन लोगे, अब आप जाओगे ही नहीं। भाई देखो, सबका अलग होता है ओपिनियन, हो सकता है उसे वो सामने वाला पसंद ना हो रहा हो, इसका मतलब नहीं कि आपको ही पसंद नहीं आएगा। और ये बातें बहुत चलती है सोसाइटी में कि वो बुरा है, वो अच्छा है, बट रियलिटी है कि हर किसी में कुछ अच्छा बुरा रहता है। बहुत 0.1% ही लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ बुरे हैं, हर किसी में कुछ अच्छा बुरा है। तो जब आप उनसे मिलोगे, आप कनेक्शन बनाओगे, जब आपको मालूम चलेगा कि वो लोग आपके लिए कैसे हैं, तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ये मत करो कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो लोगों से मिलता ही नहीं हूं, या मुझे तो सिर्फ चार लोग चाहिए, ऐसे काम नहीं चलता है। और आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा जी। और आखिरी क्वेश्चन ईशा मेरा आपसे, आप सारे बच्चे बोलते हैं कि जब टॉपर्स उन्हें कोई मैसेज देते हैं तो दिल पर लगता है सीधे, तो अगर आप कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं सारे बच्चों को। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, वही फिर से जो मैंने पहले भी बोला था कि कर रहे होंगे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग प्रिपेयर, बट अल्टीमेटली एडमिशन 20% लोगों का ही होगा। अगर आपको उन 20% में से बनना है तो आपको उन बाकियों का कुछ से कुछ अलग तो करना होगा। तो अगर आप बाकी सब वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मुझे सुबह सुबह उठ के मोटिवेशन देखनी है, तो फिर तो नहीं होगा। जैसे भैया ने कहा, वो बर्निंग डिजायर आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि वही सब नहीं क्रैक कर सकते बट कुछ करते भी हैं, और उनमें वो क्या डिफरेंट है वो आपके आपको अपने अंदर लाना है। आपको कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट बनो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। एंड सीयूईटी क्रैक करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपनी एक बुक पकड़ो और बस शुरू हो जाओ। तो बस आपको पढ़ते जाना है, आपका सीयूटी हो जाएगा। सारे टॉपर्स बोल रहे हैं यार, एक कोई बोले तो हम ना भी माने, सब बोल रहे हैं इजी है, बस मेहनत करना है। अब आप मेहनत करने से भागोगे तो फिर कैसे होगा। तो ईशा थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत मजा आया मुझे इंटरव्यू में। लाइक आपने जो आंसर दिए तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में क्लैरिटी है फ्यूचर को लेके। आपके जो आंसर है, मैंने क्वेश्चन नहीं बताए थे ईशा को कि यही क्वेश्चन आएंगे, सब जो हो रहा है स्पॉन्टेनियस हो रहा है और बहुत अच्छे आंसर थे। थैंक यू सो मच, आई होप बहुत सारे बच्चों को आज हेल्प मिलेगी। थैंक यू भैया, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहा है, आसान है, हो जी जाएगा, पक्का फंसने सीरीज जरूर देख के सब हो जी जाएगा। बिल्कुल आ रही है सीयूटी के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, जरूर से देखिए। ईशा फिर से थैंक यू सो मच।